अभी आंदोलन चाहिए, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून, बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस बार है, ये सब सवाल हमारे हैं और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इनको कोई समझौता नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा, 4 तारीख को तय होगी। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून, बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस बार है, ये सब सवाल हमारे हैं और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इनको कोई समझौता नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा, 4 तारीख को तय होगी। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून, बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस बार है, ये सब सवाल हमारे हैं और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इनको कोई समझौता नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा, 4 तारीख को तय होगी। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून, बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस बार है, ये सब सवाल हमारे हैं और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इनको कोई समझौता नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा, 4 तारीख को तय होगी। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून,
बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आपकी मदद इस मार है, ये सब सवाल हमारे हैं। और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इनको कोई समझौता नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा, 4 तारीख को तय होगी। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून, बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस मार है, ये सब सवाल हमारे हैं। और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इनको कोई समझौता नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा, 4 तारीख को तय होगी। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून, बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस मार है, ये सब सवाल हमारे हैं। और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इनको कोई समझौता नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा, 4 तारीख को तय होगी। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून, बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मतलब पूरे देश में कहीं पे भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, वे मुकदमे कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। इन सब चीजों में जो शहीद परिवार है उनका सम्मान कैसे रहेगा, आर्थिक मदद इस मार है, ये सब सवाल हमारे हैं। और इन पे जब तक सहमति नहीं बनेगी, जब तक इनको कोई समझौता नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा, 4 तारीख को तय होगी। धन्यवाद। अभी आंदोलन जारी है, 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे आगे आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि बड़े सवाल है एमएसपी पे गारंटी कानून, बड़ा सवाल है जो हमारे मुकदमे दर्ज है, पर्चे दर्ज है, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। धन्यवाद। अभी
आंदोलन